तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। अभी हम खड़े नागपुर के गीतांजलि चौक पे, यहाँ पर जो समाज सेवक है राजा खान जी, जिन्होंने दिल्ली में जो एक बेटी के साथ में बहुत निर्ममता से उसकी हत्या की गई, उसका सामूहिक बलात्कार किया गया, उसके लिए नागपुर से जो सबसे पहले आवाज़ उठाने वाले हैं बेटियों के लिए, ऐसी बेटियों के लिए जो पीड़ित है, तो ये राजा खान उस बेटी के लिए आवाज़ उठाने के लिए अकेले ही चल पड़े हैं। देखते हैं कि इनका कारवा आगे कितना बढ़ता है और कितने लोग इनके साथ में जुड़ते हैं बेटियों के लिए आवाज़ उठाने के लिए, बहनों के लिए आवाज़ उठाने के लिए। तो आइए हम उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। और सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि सर आप ये जो दिल्ली के अंदर जो मैटर हुआ है साबिया बेटी के साथ में, तो सर आप उसके लिए अकेले ही निकल पड़े उसकी आवाज़ के लिए, उसके लिए इंसाफ मांगने के लिए जी। तो सर ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि लोग इतने सारे हैं और बेटियों के साथ में आज अत्याचार बलात्कार लगातार होता जा रहा है, बावजूद उसके कि लोगों में जागरूकता नहीं है और आरोपी इसीलिए उनकी हिम्मत बढ़ती चली जा रही है कि लोग उसके लिए आवाज़ नहीं उठा रहे। सर कैंडल मार्च निकाल लेते हैं, कैंडल मार्च से कुछ नहीं होता है, इसके लिए आप सरकार से क्या गुहार लगाना चाहते हैं और आप बेटी के लिए क्या इंसाफ मांगना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, कसा काय, खेड़ो हाल है। मैं राजा खान, मैं हुकूमत हिंदुस्तान से सिर्फ यही बोलूँगा कि ये जो दरिंदगी है ये चरम सीमा पार कर चुकी है, इसके लिए जल्द से जल्द कोई कानून बनाना चाहिए। मैं तो ये बोलूँगा कि इस्लामिक जो कानून है सीधा कत्ल का, वो हमारे यहाँ लागू हो जाना चाहिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान के अंदर यहाँ तो बेटी, बूढ़े, लड़कियाँ कोई सेफ नहीं। यहाँ तक कि आज जो बच्ची के साथ हुआ वो तो पुलिस डिपार्टमेंट यानी गवर्नमेंट एक एम्प्लॉय थी, वो और पुलिस वाली थी, और वो बच्ची आज 26 तारीख से घर से लापता है, उसका कोई अता पता नहीं, उसकी बॉडी मिली, उसका मर्डर हुआ, उसके साथ रेप हुआ, रेप के बाद में उसकी जो कहने का मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, जो हम जो आज मर्द बोलते हैं अपने आप को, जो माँ का दूध पी के जो हम खड़े हैं यहाँ पर, वो तक उसके बच्ची का काट दिए, तो कितनी बड़ी दरिंदगी रही। तो हमारे हुकूमत हिंदुस्तान से मैं गुजारिश करूँगा हाथ जोड़ के कि जल्द से जल्द इस रेप के ऊपर एक सख्त कानून बनाया जाए, नहीं तो ये आज हिंदुस्तान हमारा बेटियाँ, बहनें और बुजुर्ग ये सब होते रहेगा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और एक वक्त ऐसा भी आएगा कि पब्लिक फिर रोड पर उतर जाएंगे। इसलिए मैं हुकूमत हिंदुस्तान से ये बोलता हूँ कि भैया इसके लिए बहुत एक सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। हाँ तो देखिए ये थे राजा खान, जो अपना बयान देते देते हुए इनका दर्द दिख रहा है कि इनके आंखों में आंसू आ गए हैं कि एक बेटी के लिए इतनी मोहब्बत और इतनी हमदर्दी। जैसा कि सर यहाँ पर हम लोग ने आज तक न्यूज़ के अंदर ये देखा है कि दिल्ली में, यूपी में ही रेप की वारदात बहुत ज़्यादा हुई, और लगातार अब नागपुर के अंदर भी रेप की वारदातों को जो अपराधी अंजाम दे रहे हैं। सर जैसे कि हमने कल ही एक इसकी झिंगा भी टाकली की न्यूज़ कवर की है, वहाँ पर एक नाबालिग किशोरी के साथ में भी सामूहिक बलात्कार हुआ है। जी, सर जी, जी, जी। तो हमारे यहाँ नागपुर में भी लगातार बलात्कार हो रहे हैं, सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं, और अपराधी बिल्कुल बिंदास और बेखौफ घूम रहे हैं। सर इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, लोगों में क्या जागरूकता पैदा करना चाहेंगे, लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर इसमें ये बोलूँगा मैं कि लोगों की हिम्मत इसलिए बढ़ रही है कि हमारे यहाँ कोई ऐसा सख्त कानून नहीं है जिससे हम दरिंदों को सज़ा दे सके। अगर फांसी की सज़ा दे दे या उनको जगह पे कत्ल करने का हम एक रूल बना दे या कानून बना दे, तो ये सारी चीज़ खत्म हो जाएंगी, वो दहशत हो जाएंगी। आज दहशत जैसी चीज़, डर जैसी चीज़ वो दरिंदों को में नहीं है, किस लिए वो खुलेआम कर रहे हैं और तेज़ी से कर रहे हैं, उनको डर नहीं है। अगर डर उनको पैदा करना है तो हमें एक ऐसा कानून बनाना पड़ेगा जिससे उनमें डर पैदा हो और ये सारी चीज़ें कम हो, ख़त्म हो जाए। मैं हिंदुस्तान हुकूमत हिंदुस्तान से ये गुजारिश करूँगा कि आप जल्द से जल्द ये कानून बनाओ और इन दरिंदों को ख़त्म करा जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने देखा है कि ये महान समाज सेवक मिस्टर राजा खान थे, जिन्होंने आज नागपुर में सबसे पहला ये साबिया बच्ची है जो दिल्ली की, उसके लिए आवाज़ उठाई, उसके लिए इंसाफ मांगा है, और ये पैदल ही यहाँ गीतांजलि चौक से संविधान चौक का इनका सफ़र है, और देखते हैं इनके साथ में आगे कौन कौन जुड़ता है। हम यह आपको हमारे चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनसे जुड़िए,
ऐसे बेटियों और बहनों के इंसाफ के लिए लाखों की तादाद में लोग जुड़ी है ताकि उन बहन बेटियों को इंसाफ मिल सके और अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिल सके। नागपुर से अब्दुल शेख की रिपोर्ट।